हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ करी विद पकोड़े, जिसके लिए मैंने लिए है 2 प्याज। इनको लंबाई में कट कर रखा है। इसमें मैं ऐड करूँगी धनिया और लहसुन, 4 चम्मच बेसन की, 1/2 चम्मच नमक, मिक्स मसाला, 1 चम्मच इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और धीरे धीरे करके पानी ऐड करूँगी, जिससे कि बैटर अच्छे से बने। और बैटर हो चुका है तैयार। और दही में मैंने 1 चम्मच ऐड की बेसन की, चुटकी भर हल्दी, मिक्स मसाला 1 चम्मच, इस थोड़ा सा लहसुन, इसको भी अच्छे से मिलाऊंगी। अब हम तैयार करेंगे पकोड़े, जिसमें मैंने ऐड की 4 चम्मच तेल की। कढ़ी को मैं बना रही हूँ लोहे की कढ़ाई में। सबसे पहले मैं पकोड़े बनाऊँगी। और कम आंच में तेल को गर्म होने दूँगी। और धीरे धीरे करके पकोड़े ऐड करूँगी मैं इसमें। और इसी तरह से मैं सारे पकोड़े बना दूंगी। और पकोड़े हो चुके हैं तैयार। और इन्हें मैं इनको अलग निकाल लूंगी। कढ़ी के लिए पकोड़े हो चुके हैं तैयार। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 बारीक कटा हुआ प्याज लंबाई में, 1/2 प्याज को भी अच्छे से ब्राउन होने दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही, इसको भी अच्छे से मिलाऊंगी। लंबाई
लगभग आधे घंटे तक पकाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें ऐड करूंगी पकोड़े। दो मिनट के लिए इसको भी ढक लूँगी जिससे कि पकोड़ों पे अच्छे से मिल जाए। और इसी तरह से कढ़ी पकोड़े हो चुके हैं तैयार। अब मैं इसको एक बाउल पे निकाल लूँगी। दोस्तों, आप भी अपने घर में सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं कढ़ी पकोड़े। आप इसको चावल के साथ या चपाती के साथ ले सकते हैं। देखिए कितना सुंदर और कितना लाजवाब लग रहा है। आप भी इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।